हो तुम? Why aren't you answering my phone? I'm angry with you, Papa. You really forgotten us. I know, Pa. आपके और मामा के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है. I'm not an idiot. इसका मतलब ये नहीं कि आप गायब हो जाओ. चायला तिवारी, कहाँ गायब है तू? पता है यहाँ टास्क में भी सब तेरे को बहुत याद करते हैं. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, SGS मुंबई. मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल SGS मुंबई में स्वागत करता हूं. दोस्तों, क्या आपको पता है द फैमिली मैन सीजन 2 का टीजर रिलीज हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, द फैमिली मैन सीजन 2 का टीजर. मुझे पता है दोस्तों, जितनी एक्साइटमेंट आपको हुई है ये सुनकर, उतनी ही खुशी मुझे भी हुई है. अब फैमिली मैन सीजन 2 का टीजर तो रिलीज हो चुका है. इस वेब सीरीज का ट्रेलर आएगा 19 जनवरी 2021 में अमेजन प्राइम वीडियो पर. और खुशी की बात तो और भी है कि भाई शो रिलीज डेट होने वाला है 12 फरवरी 2021. ये होगा हिंदी, तमिल, तेलुगु, इन सब लैंग्वेज में. सबसे पहले इस रोमांचक वेब सीरीज़ के पार्ट 1 के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, उन दोस्तों को जिन्होंने अभी तक ये वेब सीरीज़ देखी ही नहीं है. तो दोस्तों, मेरे भाइयों, जिन्होंने ये देखी नहीं है अभी तक, थोड़ा तो शर्म करो. सॉरी, मजाक कर रहा हूँ. कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊँगा. वेब सीरीज़ के दौर में बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी ने वेब की दुनिया में कदम रखा तो मान लो तहलका मच गया था. अमेजॉन प्राइम की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज में से एक द फैमिली मैन सीजन 1. इस वेब सीरीज के 10 एपिसोड हैं, जिसे एक साथ ही रिलीज किया गया. नाम से तो लगता है ये फैमिली टाइप कहानी है. बॉलीवुड में जासूसों का किरदार तो कई एक्टर्स ने निभाया है, लेकिन श्रीकांत तिवारी का किरदार मनोज वाजपेयी जी ने इस वेब सीरीज में तो मान लो जिया है. सीरीज में स्पाई की ऐसी कहानी है जो कि एक असाधारण काम करता रहता है, लेकिन आम लोगों की तरह ही साधारण भी है. एक स्पाई जो फैमिली मैन बनने की पूरी कोशिश भी करता रहता है. श्रीकांत तिवारी भी और लोगों की तरह अपना घर खरीदने की जुगाड़ में लगा रहता है. बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाता है और ज़रूरत पड़ने पर सैंडविच वगैरह भी बनाता है. बच्चों को लगता है कि उनके पापा सरकारी नौकरी करते हैं क्योंकि वहाँ आराम होता है. पत्नी भी इसी बात से नाराज रहती है कि वो परिवार को ज़्यादा समय ही नहीं दे पाता. अब इस स्पाई की ज़िंदगी में वो सब कुछ घट रहा होता है जो रोज़मर्रा आपके आसपास हो रहा होता है. पर दोस्तों, श्रीकांत तिवारी का असाधारण काम है स्पाई का. देश के लोग चैन से जी सके, इसलिए ये लोग देश के दुश्मनों को खोजने का काम करते हैं. जैसे इस वेब सीरीज में बताया है, आतंकी एक बड़ा मिशन प्लान करते हैं और उसे अंजाम देने की पूरी प्लानिंग करते हैं. इस मिशन को नाकामयाब करना है श्रीकांत जी का काम. बस इसी पर आधारित है वेब सीरीज द फैमिली मैन. ये पूरे 10 एपिसोड का वेब सीरीज है. अब ये पूरे 10 एपिसोड देखने के बाद भी रोमांच खत्म नहीं हो पा रहा था, और इसी के साथ मेरे लिस्ट में भी सीजन 2 ये मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज में पहुंच चुका है. दोस्तों, जैसे ही मैंने ये टीजर देखा, मुझे बहुत खुशी हुई और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा इसी वीडियो में आपके सामने. इस देसी स्पाई सीरीज में मनोज वाजपेयी जी ने एक सीक्रेट एजेंसी में सीनियर एनालिस्ट का किरदार निभाया है, जिसके एक हाथ में सब्जी का थैला होता है और दूसरे हाथ में पानी की बोतल, मगर नज़र किसी निशाने पर ज़रूर होती है. अब सीरीज के क्रिएटर और डायरेक्टर राज और डीके ने संकेत दिया है कि एक दूसरा सीजन जल्द दर्शकों के बीच होगा, जो कि है द मोस्ट अवेटिंग वेब सीरीज. एक सर्वे की रिपोर्ट में तो बताया गया कि द फैमिली मैन सीजन 2
उस सर्वे में पहले स्थान पर है। उस सर्वे में टोटल सर्वे के हिसाब से 84% द फैमिली मैन सीजन 2 को ही था। अब इंतज़ार इसके ट्रेलर का तो है ही, मगर लॉन्च कब होगा, देखूंगा कब, ये जो एक्साइटमेंट है ना, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 12 फरवरी 2021 में कुछ ना कुछ धमाल ज़रूर होने वाला है दोस्तों। तो वेट कीजिए ट्रेलर का, ट्रेलर के बाद उसके लॉन्च का। चलो दोस्तों, सी यू, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, सी यू।